लाठीचार्ज सिर्फ इधर वाला आदमी को हुआ, उधर वाला आदमी को नहीं हुआ। यहाँ उल्टा एक आदमी पे 5 पुलिस का चोट लगी है। आप तो देख रहे हैं ऐसे 15-20 आदमी है, 15-20 लोग घायल, 15-20 है। और हम लोग को प्रशासन के द्वारा जो मारपीट किया गया सर, इसको प्रशासन के ऊपर में भी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग वहाँ शांति तरह का बैठक किए थे, हम लोग 1.5-2 घंटा थाने में रहे, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ है थाना में सर, बहुत शांति से हम लोग बैठे। लास्ट में जब हम लोग देखिए प्रशासन से हम लोग का यही अनुमति कि जितना भी अपराधी आकर के जो मारपीट किया उन लोगों के ऊपर में सख्त कार्रवाई किया जाए और इस प्रकार का जो दुकान है उसको हटाया जाए। लाठीचार्ज भी हुआ। देखिए जब लोग अपनी बात को रखने थाना में गए और पुलिस अपराधियों पर कार्रवाई नहीं करके निहत्थे और जो अपनी बात को रखने गए उस पर अगर लाठी चार्ज कराए तो वैसे दोषी पदाधिकारी पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तो आप घटना को रोक नहीं पा रहे हैं और अगर घटना घट गई है उस पर अगर कोई बात अपनी बात रखने थाना जा रहा है, थाना के प्रिमाइसेज में अगर पुलिस बर्बरता दिखाती है और गुंडई दिखाती है तो ये गुंडा राज तो स्थापित हो ही गया है, लेकिन इसकी कड़ी से कड़ी निंदा होनी चाहिए। और वैसे जो पुलिस पदाधिकारी है जिसने ये दुस्साहस किया उसको अविलंब सस्पेंड होना चाहिए। लेकिन जो घटना घटी, अमन चैन तो आज स्थापित हो रहा है, लेकिन जो घटना घटी, जिसको घटना को जिसने अंजाम दिया उसको सरकार और प्रशासन का काम है कि उसको गिरफ्तार करके उसको जेल के में भेजने का काम करे। इसमें अमन तो अभी है ही है, लेकिन आगे अमन चैन रहे इसके लिए वैसे जो अपराधी छवि के लोग हैं वो जेल के भीतर होने चाहिए, ना कि बाहर होने चाहिए। तो आप साफ कहते हैं कि कानून व्यवस्था रांची में फेल है? निश्चित तौर पर फेल है। आप दिन दहाड़े गोली चल रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, मारपीट हो रहा है, जिसका जमीन है जमीन को बाउंड्री को तोड़ करके कब्जा हो रहा है, तो ये सरकार में जमीन लूट, बालू लूट, कोयला लूट, इज्जत लूट, सभी चीज में नंबर वन चली गई है और प्रशासन मौन है, सोया हुआ है में है। और कल देर शाम बेसिकली एक स्कूटी के द्वारा जो है साइड में एक खड़े बाइक को टक्कर मार दी गई, जिसके बाद वहाँ पर जो मौजूद दुकानदार थे और जो इधर से जो स्कूटी वाला पक्ष था, इन दोनों के बीच कहासुनी हुई, थोड़ी झड़प भी हुई इस बात को लेकर के, टक्कर को लेकर के, और आरोप प्रत्यारोप भी एक दूसरे के ऊपर लगाए गए। इसके पश्चात दोनों के द्वारा एक दूसरे के विरुद्ध शिकायत भी थाने में दर्ज कराई गई है, जिसमें प्राथमिकी दर्ज की गई है। कुछ लोगों को हिरासत में भी इसमें लिया गया है और पूछताछ की जा रही है। सीसीटीवी फुटेजेस भी वहां से हम लोगों को प्राप्त हुए हैं, उन फुटेजेस का अभी हम लोग अवलोकन कर रहे हैं और जो भी विटनेसेस हैं, जो सीसीटीवी फुटेज है और जो भी साक्ष्य उपलब्ध हैं उसके अकॉर्डिंग जिन भी लोगों की इसमें भूमिका है, जिनके द्वारा भी कहीं ना कहीं ऐसा कह सकते हैं कि माहौल खराब करने की कोशिश की गई है, ऐसे किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा। खासतौर पर वैसे जो भी असामाजिक या अवांछनीय तत्व हैं जिन्होंने जानबूझकर मामले को अनावश्यक रूप से तूल देने की कोशिश की है, उन लोगों के विरुद्ध पुलिस कड़ी कार्रवाई करेगी। आपके माध्यम से मैं सभी लोगों से, रांचीवासियों से भी अपील करना चाहूँगा कि अनावश्यक रूप से कोई भी पोस्ट, कोई भी वीडियो, कोई भी पिक्चर पर भरोसा ना करें। पुलिस अपनी तरफ से पूरी कार्रवाई कर रही है और जो भी दोषी व्यक्ति होंगे उनको किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। कुछ एक लोगों को जैसा मैंने बताया कि हिरासत में लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। नमस्कार, एसएमपी न्यूज झारखंड में आप सभी का स्वागत है। देखते हैं आज क्या कुछ है खबरों में खास। तो अभी आपने खबर के सारांश में देखा हरमू बाजार के कुछ स्थानीय लोग, तो वहीं हटिया विधायक और रांची के एसएसपी ने क्या कुछ कहा। लेकिन आपको बताते चलें, बीती रात हरमू बाजार में मोटरसाइकिल स्कूटी के टक्कर के बाद उपजे विवाद में दो पक्षों में जमकर मारपीट की घटना के बाद एक पक्ष अरगोरा थाना में मामला दर्ज करवाया। मामले के अनुसार दूसरा पक्ष हरवे हथियार के साथ आकर मारपीट किया है। हालांकि देर रात वहां पे लाठीचार्ज की बातें सामने आ रही है, जो इस पर हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने क्या कुछ कहा है और आगे आपको सुनाएंगे। तो वहीं रांची में कानून व्यवस्था पर भी हटिया के विधायक उंगली उठाते हुए दिखे। कल की घटना के बाबत आज हरमू मंदिर के समीप हटिया विधायक नवीन जायसवाल, हटिया के डीएसपी राजा मित्रा और अरगोरा थाना प्रभारी के समक्ष दोनों पक्षों के बीच आपसी समझौता कराने का प्रयास किया गया, जिसमें प्रथम पक्ष के द्वारा मारपीट करने वाले लोगों की गिरफ्तारी के बाद ही समझौता करने की बात कही गई। हालांकि विधायक और डीएसपी के द्वारा दोनों पक्षों को समझाने की भरसक प्रयास की गई। इस पूरे मामले पर प्रथम पक्ष के लोगों ने क्या कुछ कहा है हम आगे आपको सुनाएंगे। लेकिन आपको बताते चलें, इस पूरे मामले के बाद बाजार में
में पसरासन अट्टा, दिखा पुलिस की गश्ती, रैप के जवान तैनात दिखे। तो वही किस बात को लेकर स्थानीय लोगों में है आक्रोश, आइए सुनते हैं हरमू बाजार के लोगों से। तो वहीं हटिया के विधायक नवीन जायसवाल ने कही है बड़ी बात, आइए देखते हैं खबर को विस्तार से। तो आइए मौके पर मौजूद हैं हटिया विधायक नवीन जायसवाल, इनसे भी दोस्त जान लेते हैं क्या कहेंगे, क्या कुछ परिस्थिति है, ये मामला क्या है। देखिए हरमू जो बाजार है ये हमेशा से शांत बाजार रहा है, कभी कोई तरह का वाद विवाद नहीं होता है। छोटी सी बात को लेकर 15-20 जो भट्टा मोहल्ला के नौजवान आकर लाठी डंडे और लोहे के रड से जिस तरह से हमला हुआ, ये अपने आप में बहुत ही निंदनीय है। और मैं कहूँगा कि प्रशासन का भय धीरे धीरे इन लोगों में ख़त्म हो रहा है। अगर भय रहता तो 20 लोग का झुंड आकर एक निहत्थे आदमी पर हमला नहीं करता। आज हम लोग आए यहाँ, व्यवसायियों के साथ बैठक हुई, उन लोगों का एक ही मांग है कि जो लोग 20 लोग इसमें संलिप्त हैं 307 के सेक्शन के तहत, उनको गिरफ्तार किया जाए और जेल भेजा जाए और CCTV कैमरा प्रशासन यहाँ मुहैया कराए और जो अवैध रूप से मुर्गी का, बकरी का, ये सब जो अवैध रूप से यहाँ पर दुकान लगा हुआ है उस दुकान को तुरंत हटाने का काम करे, क्योंकि वहीं पर एक अड्डा हो गया है इस तरह की घटना को अंजाम देने का। तो आज सर प्रशासन के थाना प्रभारी, DSP सभी लोगों से बात हुई है, उन्होंने आश्वस्त किया है कि हम बहुत जल्दी वैसे लोगों को चिन्हित करके गिरफ्तार करके जेल भेजेंगे। अगर सरकार और प्रशासन इस मामले में फेल हुई तो हम लोग बाध्य होकर उग्र आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। सबसे बड़ा मामला है यदि देखा जाए तो एक बाइक टक्कर होता है और ऐसे में एक भीड़ आ जाता है, मैंने देखा कि एक बुजुर्ग भी पट्टी बांधे हुए, उनको भी चोट लगी। आज यहाँ के बहुत प्रतिष्ठित व्यवसायी बलराम जी हैं, हम लोगों के अभिभावक भी हैं और व्यवसायी समाज के अध्यक्ष भी हैं, और उन उस बुजुर्ग पर इस तरह का घटना को और मारपीट करके उनका सिर फोड़ देना और जान लेने का प्रयास करना, ये दर्शाता है कि प्रशासन का भय खत्म हो गया है। और सरकार और प्रशासन अगर निंद्रा में है तो अभी भी समय है, जग जाए और वैसे लोग को चिन्हित करके कार्रवाई करे, और नहीं तो जनता अपने उग्र होके अगर कोई घटना घटती है तो उसका जिम्मेवार प्रशासन होगा। अभी सभी दुकानें बंद है, हालांकि दुकानदार कह रहे हैं कि दुकानें हम नहीं खोलेंगे। देखिए लोगों में आक्रोश है और आक्रोश इस बात का है कि एक व्यवसायी जो निहत्थे थे और बुजुर्ग थे और उस पर जिस तरह से 20 लोग आकर हमला कर दिए, ये कहीं ना कहीं और बीच बाजार में ये घटना घटी तो आप मनोबल कितना बढ़ गया है इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं। आप देखिए कि उत्तर प्रदेश में जो अपराधी है उत्तर प्रदेश छोड़ के चले गए हैं, या तो जेल में हैं और यहाँ पर खुलेआम घूम रहे हैं, चाहे मर्डर हो रहा है, चाहे बलात्कार हो रहा है, चाहे दिन दहाड़े मारपीट हो रहा है। तो कहीं ना कहीं सरकार और प्रशासन पूरी तरह से फेल है और भय नहीं है शासन और प्रशासन का, इसीलिए इस तरह की घटना को अंजाम दिया जा रहा है। अभी आप आए थे, क्या कुछ बातें निकल कर सामने, क्या आप पुलिस के पदाधिकारियों ने, DSP थाना प्रभारियों ने आश्वस्त किया है कि वे चिन्हित करेंगे और उसको जेल भेजने का काम करेंगे, और अगर जेल नहीं भेजा तो हम लोग बाध्य होकर आंदोलन के लिए बाध्य होंगे। नहीं, यहाँ पर तो चाहे हिंदू हैं चाहे मुस्लिम हैं, दोनों पक्ष के लोग हैं और कोई सभी लोग अमन चैन चाहते हैं, लेकिन जो घटना घटी, अमन चैन तो आज स्थापित हो रहा है, लेकिन जो घटना घटी, जिसको घटना को जिसने अंजाम दिया उसको सरकार और प्रशासन का काम है कि उसको गिरफ्तार करके उसको जेल के में भेजने का काम करे। इसमें अमन तो अभी है ही है, लेकिन आगे अमन चैन रहे इसके लिए वैसे जो अपराधी छवि के लोग हैं वो जेल के भीतर होने चाहिए, ना कि बाहर होने चाहिए। तो आप साफ कहते हैं कि कानून व्यवस्था रांची में फेल है? निश्चित तौर पर फेल है। आप दिन दहाड़े गोली चल रहा है, मर्डर हो रहा है, रेप हो रहा है, मारपीट हो रहा है, जिसका जमीन है जमीन को बाउंड्री को तोड़ करके कब्जा हो रहा है, तो ये सरकार में जमीन लूट, बालू लूट, कोयला लूट, इज्जत लूट, सभी चीज में नंबर वन चली गई है और प्रशासन मौन है, सोया हुआ है। शुरू हुआ कि एक स्कूटी वाले जा रहे थे जैसे ऐसे ऐसे काट करके, अब तो वैसे तो हम लोग नहीं, अनजान आदमी थे, अब जो भी हो
पहले तो है कि अभी अभी नशाखोरी का कहानी बहुत चल रहा है, नशाखोरी में एक तो कट चलता है। ये युवा थे, बुजुर्ग थे, युवा थे, बच्चे थे 22-24 साल, मतलब उसी में एक बाइक में लग गई। वो दुकानदार थे, दुकानदार ने वो भाई रोका और बोले कि भाई हमारा जो लगल है उसको खर्चा हमको दे दो, ठीक है। उसके बाद में बोले ठीक है, हम बुलाते हैं, पैसा मंगाते हैं। उसके बाद में 8-10 आदमी आया, उसके बाद लपड़ झपड़ हुआ। उसके बाद भी लोग उसी दुकानदार से जी गाड़ी में लगा, लेकिन शांत हो गया, माहौल शांत हो गया। ठोकर भी मारा और उसको उल्टा, ये दूसरा बार का कहानी है। शांत होने के बाद में चाबी वो ले लिया था, चाबी भी दे के चला गया। उसके बाद 15-20 आदमी आया और उसके बाद धारदार हथियार से, जो हमारे बाजार के अध्यक्ष हमें गरीबन है। और सबसे बड़ी चीज है जहाँ पर वो लोग किया है, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये आपको हॉस्पिटल है, दुर्गावती हॉस्पिटल है, यहाँ गोपाल वस्त्रालय के बगल में अस्थी से स्टूडियो वाले को घींच कोई हॉस्पिटल है, उसमें अस्थी से स्टूडियो है, उनको घींच के बाहर में उसको जान मार दिया जाता। अगर पब्लिक उसमें मूव नहीं करती तो उसको जान मार दिया जाता। उसी छुड़ाने में हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे गर्जीवन तुल है, उनको धारदार हथियार से मारा गया। मान लीजिए माथा पर कोई अटैक करता है तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए हम लोग देखिए प्रशासन भी हम लोग का साथ, प्रशासन देखे ना पिटाई किया है। हम लोग यही मामले, इस मामले को लेकर के आप लोग अलगोरा थाना गए थे। हम लोग 12:30 बज रहे हैं, 12:15, 12:15 में जो पुलिस वाला लाठीचार्ज किया, वहाँ पर मेरा भी मोटरसाइकिल फंसा हुआ। जो पुलिस लाठीचार्ज किया, मतलब इस मामले को लेकर आप लोग थाना गए थे? थाना का वह 200-300 आदमी था, इसी मामले को लेकर गए, मामले लेके, इसी मामले के। पहले घटना हुआ, उसके बाद 2 बार फोन हुआ है, पुलिस नहीं आया। जो मारपीट हो गया उसके बाद हम लोग गए, कुछ लोग फिर वहाँ पर जाके मारपीट कर दिए लड़का को। कौन लड़का लोग मारपीट कर दिए? जो मठा फूटल है उनका लड़का से मारपीट, कुछ शरारती तो थाना में जाके मारपीट हुई जी, वहाँ थाना प्रभारी थे। लाठीचार्ज सिर्फ इधर वाला आदमी को हुआ, उधर वाला आदमी को नहीं हुआ? यहाँ उल्टा एक आदमी पे 5 पुलिस, खासा चोट लगी है। आप तो देख रहे हैं, ऐसे 15-20 आदमी है, 15-20 लोग घायल, 15-20 है, माने किसी को हल्का है, किसी को जाते है, सारे लोग मान लीजिए इधर वाला आदमी को, उधर वाला आदमी को एक भी नहीं। लास्ट में सारे लोग जा रहे हैं, उस समय की घटना है। क्या अभी बाजार बंद रहे? अभी तो निर्णय क्या हुआ अभी हम लोग को स्पष्ट नहीं हुआ, अब आगे क्या निर्णय होता है। मतलब अभी तक तो, मतलब यदि सुबह से अभी तक 2 बज रहा है, हम लोग चाह रहे प्रशासन की ओर से इसको ठोस कार्रवाई की जाए, यहाँ का अतिक्रमण है उसको हटाया जाए, ठीक है। उसके लिए हम लोग को आगे भी कानूनन प्रक्रिया द्वारा हम लोग आगे बढ़ेंगे और उसको हम लोग कोशिश करेंगे। बीच में यदि अतिक्रमण की बात कर रहे हैं तो जहाँ तक मुझे याद आ रहा है, बीच में नगर निगम भी अतिक्रमण हटाने आया, कुछ लोग उसमें भी विरोध किए। हाँ, तो विरोध किए थे तो उसको, जहाँ हमारे मंदिर के आसपास में जो है कचरा है उसको तो साफ करना सरकार की काम है ना। मान ली कल हम जाएंगे या जागरण करेंगे, इसलिए हम लोग थाना में बात हुआ कि हम लोग SDO को नगर निगम को देंगे। भैया बगल में है, बगल में पूरा मीट का मछली का मुर्गा का सारे बगल में, चलिए ना वहाँ पर, बगल सामने है, 100 मीटर के दूरी पर है मंदिर के बगल में, 100 मीटर 500 मीटर के डिस्टेंस में किसी प्रकार का ये जो सामान है मांस मछली मुर्गा ये सब नहीं रहना होना चाहिए सर। ये हर जगह का पूरे स्टेट का नियम है, लेकिन यहाँ पर कोई नियम का पालन नहीं होता सर। बस यही चीज़ हम लोग बोल रहे हैं, और हम लोग को प्रशासन के द्वारा जो मारपीट किया गया सर, इसको प्रशासन के ऊपर में भी कार्रवाई होना चाहिए। हम लोग वहाँ शांति तरीके का बैठक किए थे, हम लोग 1.5-2 घंटा थाने में रहे, किसी प्रकार का उपद्रव नहीं हुआ है थाना में सर, बहुत शांति से हम लोग बैठे। लास्ट में जब हम लोग, देखिए प्रशासन से हम लोग का यही अनुमति कि जितना भी अपराधी आकर के जो मारपीट किया उन लोगों पर में सख्त कार्रवाई किया जाए और इस प्रकार का जो दुकान है उसको हटाया जाए, सारा नॉनवेज का दुकान हटे, जो भी घटना किया है सख्त से सख्त कार्रवाई हो। छोटा मोटा घटना नहीं है इसमें, अगर सर में किसी का चोट हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसलिए मेरा नाम हुआ संतोष कुमार तिवारी। तो आइए जिनको चोट लगी है इनसे भी दो सब जान लेते हैं क्या कुछ हुआ था, कल क्या कुछ हुआ था यहाँ सर। जैसे कि जब लाठी चार्ज हुआ तो हम वहाँ से अपना बाइक लेकर के जा रहे थे। अच्छा, लाठी चार्ज क्यों हुआ ये तो हमको नहीं पता था, क्योंकि वहाँ पर हम खड़े थे, अचानक से लाठी चार्ज होने लगा, भगदड़, मतलब कि हल्ला हो रहा था। तो हल्ला के बीच में हमको समझ में नहीं आया, कुछ थाना के बाहर में थे तो हमको समझ में नहीं आया, अचानक से हम अपने बाइक में बैठे हुए थे, लाठी चार्ज होने लगा, हम बाइक घुमाने लगे, उसी बीच में हमको लगा है लाठी चार्ज नहीं हुआ था, उसी बीच में लग गया जी। थाना में यही गए थे, जैसे कि क्या बोले, जो ये नहीं हुआ था कल का ये हुआ था वही बस जी। हाँ, हम लोग गए थे मतलब कि अपना ये करवाने के लिए, केस करने गए थे या तो फिर अपना पक्ष रखने गए थे।
क्या आप लोगों ने कोई हंगामा भी किया वहाँ पे? नहीं, हंगामा तो वैसा कुछ नहीं हुआ था। लाठी चार्ज कैसे हुआ ये तो हमको नहीं पता सर। इसके बारे में अगर कोई और होता है तो आतंक होता है, अगर एक मुस्लिम रहता तो। जी आज इस बच्चा के लिए कोई कुछ बात हो रहा है इसके बारे में? नहीं हो रहा है। यहाँ कचरा देखने नहीं जा रहे हैं कि वहाँ गंदगी कितना है? तो आप कैसे ऐसे लोग की बात पे हम लोग भरोसा करें, बताइए। देखिए इसका, देखिए तो कितना बुरी तरह। अगर और कोई रहता, ये भी दलित है और दलित को आप मार के देखिए कितना ब्लड आया इसका, पीठ दिखा रहे हैं ऐसे मारेगा। चार पांच पुलिस वाला लाठी से सुटा के मार रहा है, सुटा के मेरा आपके सामने है। मारने का नहीं है, हम अगर गए हैं शांति से कर रहे हैं तो हमारे साथ ऐसा अत्याचार क्यों? जो पकड़ा है उसके साथ क्यों नहीं हो रहा है? सब इसको एक दिन नहीं, पांच छह पुलिस वाला मारा। दिखाइए, लाइव दिखाइए। देखिए हम लोग चाहते हैं शांति, ठीक है, और शांति के शांति को, लेकिन शांति मांगने हम लोग जाते हैं तो क्या मिलता है? मार मिलता है, पिटाई मिलता है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो भी अतिक्रमण है उसको अतिक्रमण कानून प्रक्रिया द्वारा हटाया जाए, ठीक है। और हमारे बड़ बुजुर्ग को, अगर कोई बच्चा बुतरू अगर कुछ होता है, आज हमारे बड़ बुजुर्ग को टारगेट किया गया है, जो किया गया है उस पर आप सोच भी नहीं सकते हैं। जी क्या कुछ बता रहे थे आप? देखिए अभी क्या हो रहा है, हरमू में तो आपको देख रहे हैं कि शुद्धिकरण का काम बहुत पैमाने पे है। दीपक प्रकाश जी अपने घर के सामने अच्छा बना दिए पार्क, वहाँ तो हो गया कि अब वहाँ पर पैसा लगेगा जिसका वो घुस नहीं पाएगा। अब हरमू मैदान में क्या हो रहा है, जितना भी इमली चौक सब इंजेक्शन गांजा ये सारा लेकर बैठता है वहाँ पीपल पेड़ के पास, वहाँ एक अपार्टमेंट है, वहाँ सब सीसीटीवी भी देख सकते हैं। फिर आपको एक हाईकोर्ट को, हाईकोर्ट बोल रहे हैं, हरमोहन सिंह कॉलोनी में एक मैदान अभी जस्ट कुंवर सिंह ये बना है, आजाद सिंह भगत सिंह ये बना है मैदान, वो अच्छा हो गया नहीं तो वहाँ भी लोग अड्डा बना दिया था नशा का केंद्र का। अब कभी भी जाइएगा तो आपको वाइट वाइट, पहले तो बॉटल में व्हाइटनर आता था जो हम लोग स्कूल में ड्राइंग में काम लाते थे, उसका सरकार लाया कि इसको बंद कर दिया जाए, इससे नशा होता है, ट्यूब में लाए, इसका भी लोग समाधान निकाल लिया, उसको भी रुमाल में लेकर बैठ के वहाँ पर पाइप में लेके फूकते रहता है, पीते रहता है। आप कहना चाहते हैं कि इस एरिया में नशाखोरों का अड्डा हो गया? आप एक मूवी देखोगे उड़ता पंजाब, ये उड़ता रांची है। आइए समझ लेते हैं एक बार, ये जो मार्केट आपको हम दिखा पा रहे हैं ये भी हरमो मंदिर जो है, जो मंडी है वही का ये विजुअल मैं आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे नशा का अंबार फेंका हुआ है और सभी शटर बंद है, कुछ तो टूट गया है, और क्या बोले, ये बाथरूम शौचालय बना दिया गया है, और नशाखोरी का अड्डा जहाँ जा रहे हैं, मतलब कहीं सिरिंज मिल रहा है तो कहीं सिरप मिल रहा है, कहीं दारू का बोतल मिल रहा है, अभी भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो आज की खबर में बस इतना ही, बने रहें एसएमपी न्यूज के साथ, अपना ख्याल रखें, क्योंकि आपसे हम, आप हमारी ताकत। लेटेस्ट अपडेट के लिए हमारे फेसबुक पेज को फॉलो और लाइक जरूर करें, तो वहीं विस्तृत खबरों के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।